नमस्कार, आज बात करेंगे मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट MPTET के अंतर्गत पर्यावरणीय अध्ययन का जो दूसरा टॉपिक है, खेल एवं कार्य। खेल एवं कार्य जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत खेल, व्यायाम, योगासन, इनकी चर्चा की जानी है। इसके अलावा इसके दूसरे खंड में पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन के साधन जैसे किताबें, कहानियां, कठपुतली प्ले, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दिवसों को विद्यालय में मनाया जाना है, और फिर इसके बाद विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय। इनमें से आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले खेल। जानेंगे खेल का एक सामान्य अर्थ क्या है और खेल से संबंधित सामान्य हमको क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए। पहली बात तो खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। बालक शैशवावस्था से ही खेलों में रुचि लेने लगता है। इसीलिए कई विद्वानों का ये भी मानना है कि जो खेल है वह एक आत्म केंद्रित प्रवृत्ति होती है, या यह बालक की अपनी स्वयं की एक रुचि होती है। इसीलिए खेल एक स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक, आत्म प्रेरित और आनंददायक क्रिया है। खेलों द्वारा बालकों का मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास होता है। जैसा कि स्टर्न कहते हैं, खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है। ये कोटेशन याद रखना है स्टर्न महोदय का, खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है। बेलेंटाइन ने क्या कहा है, खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। तो जहां स्टर्न महोदय खेल को एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया मानते हैं, वहीं वेलेंटाइन ने खेल को एक प्रकार का मनोरंजन माना है। अब बात करते हैं खेल के विभिन्न प्रकारों के। हम सभी ने बचपन से अलग अलग प्रकार के खेलों को खेला भी है और खेलते हुए दूसरों को देखा भी है। उनमें से कुछ खेल जो हैं वो प्रायोगात्मक खेल के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, जैसे खिलौनों की तोड़ फोड़ करना, या फिर खिलौने जो होते हैं उनको पहले बनाना, फिर उसको वापस से उस अवस्था में लाकर दोबारा से बनाने का प्रयास करना। फिर कुछ रचनात्मक खेल हैं, जैसे सबने क्लासरूम में कागज़ की हवाई जहाज उड़ाई होगी, कागज़ के खिलौने कुछ ना कुछ बनाए होंगे, नाव बनाया होगा, तो ये रचनात्मक खेल हैं। फिर स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल हैं, जिन्हें बच्चा स्वतंत्रतापूर्वक खेलता है। कई बार बच्चा कुछ भी खिलौना ना होने पर भी अपने से कुछ भी खेलता रहता है। फिर कल्पनात्मक खेल होता है, सबने जैसे चोर सिपाही हम सबने खेला होगा स्कूलों में, डॉक्टर मरीज बनना, गुड्डे का विवाह रचाना, इस तरह से। फिर मनोरंजनात्मक खेल, जैसे भी आजकल वीडियो गेम्स, टेलीविज़न देखना, ये सब मनोरंजन के अंतर्गत है। फिर संग्रहात्मक खेल, जिसमें कुछ चीज़ें हम संग्रह करते, चाहे वो टिकट हो, चाहे सिक्के हों, चाहे चाक हो, ये सब। फिर कुछ बौद्धिक खेल हैं, जैसे कि चेस होता है, शतरंज। फिर इसके अलावा जैसे वो होते हैं जिन खेल जिनमें हमारे शरीर का मूवमेंट होता है, गतिशील खेल, जैसे लुका छुपी, भागना दौड़ना, ये सब। अब जैसे अगर बात करें कि खेल कूद का महत्व क्या है, इसकी चर्चा हम आगे डिटेल में भी करेंगे। पहली बात तो खेल कूद से समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो और ज़्यादा प्रबल होती है। इसमें बालक की या बालिका की सक्रिय भागीदारी होती है, शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, सहयोग की भावना या कह लीजिए टीम भावना का विकास होता है। शिक्षा में क्या महत्व है खेल का, क्योंकि खेल खेल में कई बार क्या, अक्सर हम आसानी से चीज़ों को सीख जाते हैं। हम खेल खेल में बच्चों को कई बार जटिल या कठिन समझी जाने वाले विषयों को आसानी समझा देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे विज्ञान की पुस्तकों में हमेशा अक्सर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आओ खेल खेल में सीखें। फिर इसी तरह से रचनात्मकता का भी विकास होता है। फिर हम बात करते हैं कुछ प्रमुख खेल विधियों की, ये इनके बारे में चर्चा हम मुख्य रूप से जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला शिक्षण है, प्रमुख शिक्षण विधियाँ हैं उनमें करेंगे। जैसे सबसे पहले प्रोजेक्ट विधि, इसके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम फिलहाल आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक एवं जॉन डीवी। किंडर गार्डन विधि के जनक हैं फ्रोबेल। मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी। डाल्टन विधि के एलन पार्कहर्स्ट। और ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक एवं जॉन डीवी, किंडर गार्डन विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल, मॉन्टेसरी विधि
कि मारिया मॉन्टेसरी, डाल्टन विधि, एलन पार्कहर्स्ट, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। आगे खेलकूद का महत्व। सब जानते हैं कि खेलकूद से अच्छी सेहत होती है, मतलब खेल हमें अच्छी सेहत देते हैं। बचपन से ही खेलने वाले बच्चे और खेलों से दूर रहने वाले बच्चों में भिन्नता या अंतर देखी जा सकती है। जो बच्चा बचपन से ही खेल में भाग लेता है वो अधिक स्वस्थ होता है, उसका शरीर दुरुस्त रहता है, उसकी स्टेमिना बढ़ जाती है और इसी वजह से वो कम बीमार पड़ता है और ज़्यादा सक्रिय रहता है। खेल अनुशासन सिखाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हर खेल में अपने नियम होते हैं और उस नियम का पालन हर व्यक्ति को करना होता है। इस वजह से खेल हमें एक नियम के दायरे के अंदर रहने के लिए बाध्य करते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हर व्यक्ति जो है जैसे जैसे किसी खेल को खेलता जाता है और वो पहले की तुलना में ज़्यादा अनुशासित होता जाता है। इससे खेल भावना विकसित होती है। खेल के दौरान आप देखेंगे कि कई बार हम हारते हैं और कई बार जीतते हैं, तो खेल जो है हमें हारना और जीतना नहीं सिखाता, बल्कि इसके अतिरिक्त खेल हमें ईमानदारी से खेलना सिखाता है। तो इस तरह से एक ऐसी भावना का विकास होता है जो हमारे समाज में रहने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। खेलों से कुछ अच्छे गुणों का विकास होता है, जैसे कि सद्भावना, ईमानदारी, सहयोग, नेतृत्व और खेलों से चरित्र का भी निर्माण होता है। फिर खेल जो है हमको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करने को प्रेरित करता है। ऊर्जा का सदुपयोग होता है। हमारे अंदर कौन सी स्किल है, हमारे अंदर क्या प्रतिभा है, अगर हमने उसको सही जगह पे लगाया, वो खेल हो या फिर अन्य कार्य, तो उसका हम कहेंगे कि हमने सदुपयोग किया। कई बार हम खेल में हारते हैं और वो हार भी हमको बहुत कुछ सीख दी जाती है। इससे हमें धैर्य और संयम से रहने की प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से खेलों से खिलाड़ी में ऐसे गुणों का विकास होता है जो आज के समय बहुत कम दिखाई देता है, वो है पेशेंस। तो धैर्य और संयम जो है ये भी खेलों से विकसित होता है। खेल हमारे व्यक्तित्व को प्रभावी बनाते हैं। हम इससे हमारा शरीर सुसंगठित तो होता है, सुगठित होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमारे मन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और विचारों में स्पष्ट आने लगते हैं। हम कह सकते हैं कि यह शारीरिक तो रूप से हमको मजबूत बनाता ही है, मानसिक रूप से भी प्रभावी बनाता है। इसका अच्छा उदाहरण आप ले सकते हैं युवराज सिंह, जिन्होंने कैंसर पर अपने विजय प्राप्त की। फिर अगर हम बात करें कुछ अन्य तथ्य की जो इन खेलों से संबंधित पूछा जा सकता है एग्जाम में, उनमें से है पहला कि कुछ खेल और उनसे संबंधित जो कप और ट्रॉफियां आयोजित होती हैं। शुरुआत करेंगे हॉकी से। हॉकी में पहला कप है बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां, फिर जो आपको महत्वपूर्ण याद रखना है ध्यानचंद ट्रॉफी, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर, नेहरू ट्रॉफी। ध्यान रखिएगा, एक नेहरू ट्रॉफी है, एक नेहरू कप है। नेहरू कप का संबंध है बास्केटबॉल से और नेहरू ट्रॉफी का संबंध है हॉकी से। फिर वेलिंगटन कप, इतने महत्वपूर्ण कप हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से जो कि हॉकी से संबंधित हैं। कौन कौन से? वेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी और वेलिंगटन कप। फुटबॉल की बात करें, डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, ये याद रखना है क्योंकि यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, और मार्डेका कप। तो फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप कौन से हैं? डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी और मार्डेका कप। क्रिकेट किसकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है? रणजी ट्रॉफी। क्रिकेट आप लोग भली बात परिचित होंगे, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जो कि आपको याद रखना है, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। फिर आते हैं टेबल टेनिस। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो टेबल टेनिस है इसमें एक कॉर्विलान कप होता है, यह महिलाओं का विश्व कप है। टेबल टेनिस में महिलाओं का विश्व कप है कॉर्विलान कप,
और पुरुषों का विश्व कप है स्वेथलिंग। तो कॉर्बिलान कप का संबंध भी टेबल टेनिस से है और स्वेथलिंग का संबंध भी टेबल टेनिस से है। इनके अतिरिक्त और जो ट्रॉफी हैं कप हैं उनमें वर्नावेलिक कप आपको याद रखना होगा और चैलेंज कप। बात करें बैडमिंटन की, बैडमिंटन में तीन कप याद रखना है, नारंग कप, चड्ढा कप और अमृत दीवान कप। बास्केटबॉल की बात करें नेहरू कप और फेडरेशन कप, बास्केटबॉल में नेहरू कप फेडरेशन कप। ब्रिज एक नाम याद रखना है, होलकर ट्रॉफी। फिर आप गोल्फ याद रखेंगे, राइडर कप, डलहिन कप। राइडर और डनहिल कप का संबंध है गोल्फ से। अब अगर हम बात करें कुछ प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या के, तो जैसे अगर आप देखें एक या दो, क्योंकि सिंगल भी होता है और डबल भी, एकल और युग्म दोनों तरह के आयोजन होते हैं टेबल टेनिस और टेनिस के अंतर्गत, तो टेनिस या टेबल टेनिस में एक या दो खिलाड़ी हो सकते हैं। फिर इसी प्रकार से अगर आप बात करें पोलो, पोलो में होते हैं चार खिलाड़ी, लेकिन वाटर पोलो में सात खिलाड़ी। पोलो में चार, वाटर पोलो में सात। वाटर पोलो के अतिरिक्त सात खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में और नेटबॉल में। सात खिलाड़ी किस किस में, वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल। लेकिन ध्यान रखिएगा वॉलीबॉल में छः खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में पाँच खिलाड़ी हो गए। तो आप यहाँ से भी सिक्वेंस याद कर सकते हैं, बास्केटबॉल पाँच, वॉलीबॉल छः, नेटबॉल सात, कबड्डी सात, वाटर पोलो सात, खो खो नौ, खो खो में नौ खिलाड़ी और बेसबॉल में भी नौ खिलाड़ी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट इन तीनों में 11-11 खिलाड़ी। तो इन खिलाड़ियों की संख्या को आपको याद रखना है। फिर खेलों से संबंधित जो उनके मैदान है, परिसर है, जैसे कि जो परिसर है डायमंड, वो किस खेल से संबंधित है, बेसबॉल। गोल्फ का परिसर कहलाता है कोर्स। टेबल टेनिस जहाँ खेला जाता है वो है बोर्ड। जूडो, कराटे और ताई कोंडो जहाँ खेले जाते हैं उसे हम कहेंगे मैट। साइकिलिंग जहाँ की जाती है वो है वेलोड्रोम। एथलेटिक्स ट्रैक। निशानेबाजी और तीरंदाजी इसके लिए प्रयोग किया जाता है रेंज। कोर्ट, अब किन किन का मैदान कोर्ट के नाम जाना जाता है, टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल। फिर रिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है किस खेल, किसके खेल परिषद के लिए, वह है स्केटिंग और मुक्केबाजी। पूल यूज किया जाता है तैराकी के लिए। एली यूज किया जाता है बॉलिंग के लिए। एरिना यूज किया जाता है घुड़सवारी के लिए। फील्ड यूज किया जाता है पोलो, फुटबॉल, हॉकी। पिच यूज किया जाता है क्रिकेट और रग्बी के लिए। रिंग यूज किया जाता है कर्लिंग, आइस हॉकी के लिए। ग्रीन्स यूज किया जाता है बॉल्स के लिए। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इनमें से अगर आप पूछें कि क्या महत्वपूर्ण होगा, अगर हम एक संभावना व्यक्त करें कि क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो डायमंड जो जिसका संबंध बेसबॉल से है, कोर्स जिसका संबंध गोल्फ से है, वेलोड्रम जिसका संबंध साइकिलिंग से है, बाकी तो बन जाएगा, रिंग स्केटिंग और मुक्केबाजी से, एरिना जिसका संबंध घुड़सवारी से, पिच का संबंध क्रिकेट और रग्बी से। फिर इसी तरह से कुछ प्रमुख जो हैं खेल परिसर हैं, जैसे स्टेडियम की बात करते हैं, जिनके प्रमुख खेल मैदानों के नाम जो अक्सर पूछ लिया जाता है, जैसे कि शिवाजी स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में है और ये हॉकी के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से स्थान पूछा जाता है। वाराबती स्टेडियम कहाँ है, कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में है। ईडन गार्डन सब जानते हैं, नाम ने आपने सुन रखा है, कोलकाता में है। किनन स्टेडियम जमशेदपुर में। फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो प्रमुख स्टेडियम है, लॉर्ड्स है, ओवल है, लीड्स है, ये ब्रिटेन में है। विंबलडन जो कि लॉन टेनिस का प्रसिद्ध स्टेडियम है, या कह लीजिए प्रसिद्ध इसका कोर्ट है, यह है लंदन में। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम, ये इंडोर स्टेडियम है, कबड्डी का अक्सर आपने देखा होगा, पीकेएल में इसका आयोजन होता है यहाँ पे दिल्ली।
इसी प्रकार से युवा भारती स्टेडियम, याद रखना आपको, कोलकाता। फिर ब्रेबोर्न स्टेडियम, ये मुंबई। तो इस तरह से कुछ प्रमुख स्टेडियम हैं। अब कुछ देशों के हम राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो जैसे अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आप याद रख सकते हैं, बेसबॉल, ठीक है। फिर इसके बाद स्पेन की बात करें तो इसका बुल फाइटिंग है, सैंड युद्ध है। भारत हॉकी, इसी तरह से भारत के अतिरिक्त किसका हॉकी है तो पाकिस्तान का भी हॉकी है, जापान का जूडो है, इंग्लैंड का क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट है, फिर बांग्लादेश का कबड्डी याद रख सकते हैं, और चीन का टेबल टेनिस। तो इस तरह से ये खेल कूद से संबंधित कुछ वो तथ्य थे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। कल हम चर्चा करेंगे इसके आगे व्यायाम की, तब तक इनको आपको पढ़ना होगा। धन्यवाद।